Hey guys, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गैस लॉज। ठीक है, तो गैस लॉज जो हमारे हैं ना स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनसे हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनता है, और दूसरा जो हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं दैट मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तो इतने क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, और वो क्वेश्चन ना ईजी भी होते हैं, क्योंकि ये बेसिस होंगे हमारे पास में प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे। मतलब देखो अब साथ साथ हम करेंगे ना जब पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहला है आपके पास में बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ से पहले मैं बताती हूँ एक आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। ठीक है, अगर मैं बात करूं आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? आइडियल गैस इक्वेशन होती है दैट पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है आपको कि पीवी किसके बराबर होता है? एन आर टी के बराबर। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, आर हो गया गैस कांस्टेंट, और टी क्या हो गया आपका टेम्परेचर। तो मतलब ये होती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसके अंदर हम किन्हीं दो वैल्यूज को तो चेंज करेंगे और बाकी सबको हम क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे, और उससे हमारे पास में बनेंगे गैस लॉज। जैसे अगर मैं एन की बात करूं तो एन क्या होते हैं हमारे पास में? नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को तो हम कांस्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या है आपके पास में? देखो अभी बताऊंगी कैसे। एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है आपके पास में? यहां पर गैस कांस्टेंट है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। और टी क्या है हमारे पास में? यहां पर टेम्परेचर है। ठीक है, यहां तक की बात। टी क्या है यहां पर? टेम्परेचर है। ठीक है, पी प्रेशर है, और वी क्या है आपके पास में? वॉल्यूम। हो सकता है किसी बुक के अंदर इस पी की जगह पे पाई भी लिखा मिले, ये भी क्या होता है आपका? प्रेशर ही होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स को और टेम्परेचर को कर दिया जाए कांस्टेंट, यानी कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पीवी इज इक्वल टू एन आर टी जो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन है, इसके अंदर आप क्या कर दो? टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दो? कांस्टेंट। अगर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गए, और आर तो पहले से ही गैस कांस्टेंट था, तो इन तीनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट हम बोल देंगे, या फिर हम बोल देंगे कि पीवी किसके बराबर हो गया आपके पास में? कांस्टेंट के बराबर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आर तो ऑलरेडी गैस कांस्टेंट था, मैं नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को भी क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो टोटल पीवी किसके बराबर हो गया? कांस्टेंट के। ठीक है, अब ये बोलता है कि अगर ऐसा है तो अगर आपको दो सिचुएशंस लेनी है तो यहां पर एक इक्वेशन तैयार हो जाती है दैट P1V1 इज इक्वल टू P2V2। यही क्या है हमारा? बॉयल्स लॉ। यानी कि अगर आपके पास में पहले प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 थी, तो बाद में प्रेशर हो गया होगा P2 और वॉल्यूम क्या हो गई होगी आपकी? सॉरी, प्रेशर हो गया होगा P2 और वॉल्यूम क्या हो गई होगी? V2। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1 है आपका इनिशियल प्रेशर, V1 है इनिशियल वॉल्यूम, P2 है आपका इनिशियल सॉरी फाइनल प्रेशर, और V2 क्या है आपकी? फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक की बात। अब देखो हम क्या करेंगे इसके आगे, हमें ये करना है। ये चीज तो समझ में आ गई। अब मैं इस ऊपर वाली लेकर चलू चीज को, तो पीवी किसके बराबर आ गया था? मान लिया मैंने कांस्टेंट को के मान लिया। यहां पर देखो कि प्रेशर आपके पास में किसके बराबर है? कांस्टेंट बाय में वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर प्रेशर और वॉल्यूम क्या है आपके पास में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये बिल्कुल इसके सामने लिखा होता, मान लिया प्रेशर ऐसे करके मैं ऐसे लिखती, तो ये होते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। पर यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ऊपर है और ये क्या है आपके पास में? नीचे है। ये क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर वॉल्यूम किसके बराबर आ गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल के। यहां से आपके पास में एक इक्वेशन और इस तरीके से भी बन सकती है, वो तो आप कैसे भी बना लो। मान लिया आप क्या करो, P1 के नीचे तो ले आओ P2 को, और V2 के नीचे किसको ले जाओ? V1 को। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इस वाली इक्वेशन को, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं इसके ग्राफ बॉयल्स इक्वेशन के। तो देखो वो बॉयल्स लॉ के ग्राफ हमारे कुछ इस तरीके से बनेंगे। इसको मैं रफ कर रही हूं। देखो जब भी आपके पास में कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ इस तरीके का आता है, मतलब पैराबोला की शेप का। ठीक है, मतलब जब इस तरीके का ग्राफ आए तो इसको हम बोलते हैं पैराबोला।
ठीक है। और एक ग्राफ अगर आपके पास में इस तरीके से है कि यहाँ पर क्या है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अब ये पैराबोला वाला ग्राफ कब आता है, जब आपके पास में दो चीजें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहां मैंने प्रेशर लिख दिया और यहां मैंने क्या लिख दिया, वॉल्यूम ले दिया। ठीक है, मान लिया कि जब प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 थी, तो आपके पास में जो ग्राफ आता है वो इस टाइप का आता है, पहली कंडीशन। फिर आपने कुछ और नया प्रेशर लिया होगा, नई वॉल्यूम ली होगी, तो आपके पास में एक ग्राफ और आ गया जो कि इस तरीके का था। ठीक है, उसके बाद में आपने एक और नया प्रेशर ले लिया, मतलब ये हमारा P1 और V1 के लिए ग्राफ था, ये आ गया P2 और V2 के लिए ग्राफ, तीसरा आ जाएगा P3 V3 के लिए ग्राफ सपोज। ठीक है, मेरे पास में इस तरीके से तीन ग्राफ्स आ गए। अब मैंने यहाँ पर क्या बोल रखा है कि आपके पास में ये है T3 टेम्परेचर, ये है आपके पास में T2 टेम्परेचर पर, और ये है T1 टेम्परेचर पर। मैंने तो बोला था टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी जब आपने प्रेशर और P1 और V1 के लिए जब ग्राफ बनाया होगा, तो आपके पास में उस टाइम पे जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर था वो क्या था, T1 था। P2 और V2 के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर T2 था, और P3 और V3 के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर क्या था, T3 था। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं, तो मुझसे ग्राफ देकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा टेम्परेचर क्या होगा आपके पास में ज्यादा होगा। ठीक है भाई, T1 से T2 ज्यादा होगा या T3, मतलब कौन सा ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है आपके पास में, कि जो T3 टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद में T2 और उसके बाद में क्या है, T1 है। ये MCQs में इस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, T3 का, फिर T2 का और फिर T1 का। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करें, तो देखो अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आ सकता है, प्रेशर तो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रेशर 1 बाय V के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा 1 बाय V को एक ही वैल्यू मानूं, तो इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना प्रेशर। तो अगर आप यहाँ पे 1 बाय V को लेकर ग्राफ बनाते हो, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास में तीन इस तरीके के ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके के हमने ग्राफ बना दिए, और एक मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, यहाँ तक की बात, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, इसको भी और इसको भी, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है अपने पास में। ठीक, अब मैंने इसको मान रखा है T3, इसको मैंने माना हुआ है T2, और इसको मैंने क्या माना हुआ है आपका, T1 माना हुआ है। तो बताओ कि कौन सा टेम्परेचर आपके पास में क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, मुझे ये चीज बतानी है। ठीक है, तो अब ऐसे ग्राफ को आप सॉल्व कैसे करोगे, देखने में तो क्या लगेगा भाई T1 सबसे ऊपर है तो T1 का टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, पर नहीं, क्वेश्चन में बिल्कुल गलत नहीं करना, T1 का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, टेम्परेचर होगा जो सबसे नीचे वाली लाइन है ना, इसका ज्यादा। रीजन, जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो जो आपके पास में लाइन आई है ना ग्राफ की, इसको नीचे की साइड प्रोड्यूस कर लो, कर लिया मैंने, फिर इस वाली को प्रोड्यूस कर लो, कर लिया, और इस वाली को भी मैंने इस तरीके से प्रोड्यूस कर लिया। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज अगर देखे तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए आ रही है, T3 के लिए, फिर T2 के लिए, और फिर T1 के लिए। X एक्सिस तो उस वाली साइड बढ़ेगा ना, तो ऐसे वाले ग्राफ के अंदर क्या आता है टेम्परेचर का, कि T3 सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, T2 है, और उसके बाद में क्या है, T1 है। ठीक है, देख लोगे ऐसे वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। टी वन मत ज्यादा लिखा ना कि सबसे ऊपर है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, नहीं, हमेशा से लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे, और जहां पर भी एक्स एक्सिस पे ज्यादा वैल्यू पड़ेगी वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपके पास में एक चीज और ग्राफ हमारे पास यहां से बन सकता है कि दैट, देखो वो वाला ग्राफ आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, पर वैसा ग्राफ भी बनता है। जैसे अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, पीवी कांस्टेंट के बराबर था, अगर पीवी कांस्टेंट के बराबर था तो इस वाले केस के अंदर अगर मैंने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया कि मैंने यहां तो क्या ले लिया आपके पास में, पीवी ले लिया और नीचे मैंने प्रेशर ले लिया। ठीक है, अब आप कहोगे प्रेशर और पी का तो कोई रिलेशन था ही नहीं, नहीं था ना, इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा कोई ग्राफ दिख जाए, यहाँ पर पी वी दिख जाए और यहाँ पर पी दिख जाए, क्योंकि पी वी तो कांस्टेंट के बराबर था, तो आपके पास में लाइंस आएंगी कुछ इस तरीके की। ये हमारे पास में लाइंस आ गई, ठीक है, अब सबसे ऊपर थी टी थ्री टेम्परेचर की लाइन, फिर टी टू की और फिर टी वन की। ठीक है, तो यानी ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
पैरेलल टू एक्सेस क्यों आया? क्योंकि देखो यहाँ पर अब जो पी वी की वैल्यू है, मान लीजिए फर्स्ट वाले जो ग्राफ आया था ये आया था पी वन वी वन के लिए, दूसरे वाला ग्राफ आया था पी टू वी टू के लिए, और तीसरे वाला ग्राफ आया था पी थ्री और वी थ्री के लिए। तो देखो यहाँ पर पी वी की वैल्यू तो बढ़ रही है ऊपर वाई एक्सेस की तरफ, लेकिन देखो अच्छा सॉरी इस वाली लाइन के ऊपर देखो टी वन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, जो ये वाली लाइन आई थी यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन के ऊपर, यहाँ पर पी और वी की वैल्यू तो सेम रही है, पूरी की पूरी लाइन के ऊपर वैल्यू सेम है ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, सिर्फ क्या कर रही है एक्स एक्सिस के अंदर प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब अगर आप पीवी कांस्टेंट के बराबर तो आप उसी टाइम पर प्रेशर बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेशर और वॉल्यूम है अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा। मतलब कि इस टाइप के ग्राफ के अंदर क्या होगा आपके पास में, अगेन टी थ्री सबसे ज्यादा, फिर टी टू सबसे ज्यादा और टी वन सबसे ज्यादा। ये चीज समझ में आई कि यहाँ पर देखो इस पी वन वी वन टेम्परेचर के ऊपर पूरी लाइन में देखो आगे की साइड प्रेशर की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाने से भी आपकी पीवी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और अगर ऊपर वाले में हम यहां पर देखें तो आपने अगर क्या करा, यहां पर प्रेशर की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन पीवी की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट के बराबर थी, तो फर्क पड़ेगा कैसे, ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो ये था हमारे पास में क्या, बॉयल्स लॉ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। एक चार्ल्स लॉ पढ़ना है, एक गेलुसेक्स लॉ पढ़ना है, और एक हमें पढ़ना है एवोगैड्रो लॉ। तो आगे हम बात करते हैं, देखो सेकंड हम बात चलते हैं यहां पर, देखो नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ, सेकंड है हमारे पास में चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ हमको क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ ने ये बोला कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी किसके, टेम्परेचर के। चार्ल्स लॉ ने बोला वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी टेम्परेचर के, कब आएगी, अब आइडियल गैस इक्वेशन थी दैट पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है यहां तक की बात। तो अगर मैंने बोला है कि वॉल्यूम को और मैं टेम्परेचर को लेकर चल रही हूं, चार्ल्स लॉ ने ऐसा बोला कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स को कॉन्स्टेंट, और आर तो ऑलरेडी गैस कॉन्स्टेंट है, यानी चार्ल्स लॉ के अंदर आप क्या करते हो, अगर वेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कॉन्स्टेंट देन वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में होता है चार्ल्स लॉ। अब मान लिया एक आपने वी वन ले लिया और वहां पर टी वन टेम्परेचर लिया, सेकेंड आपने वी टू वॉल्यूम ली तो उसके साथ में टी टू टेम्परेचर आएगा, अब इनको कंबाइन कर दो। तो जब मैं इसको कंबाइन करूंगी तो इक्वेशन क्या बनकर आएगी मेरे पास में, अब देखो यहां पर मैं इसको करने से पहले एक चीज कर लेती हूं कि मैंने क्या करा, जो वॉल्यूम था इसके नीचे में धर ले आई टेम्परेचर को, और एन आर बाय में पी, ये तो सब मैंने कांस्टेंट कर दिया ना, प्रेशर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, तो इसकी जगह पे आ जाएगा के कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम बाय में टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर चार्ल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ के अंदर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी वन बाय में टी वन इसके बराबर आ जाएगा v2 by में t2। ये क्या होगी आपके पास में, चार्ल्स लॉ की इक्वेशन, ठीक है यहां तक की बात। ये किसकी इक्वेशन होगी हमारे पास में, चार्ल्स लॉ की। आगे चले देखो, ये हो गया चार्ल्स लॉ। अब ग्राफ आएगा यहां से भी हमारे पास में,